हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे डाइजेशन इन ड्यूओडेनम। अच्छा देखो, अब खाना पेट में, उसको क्रीम में कन्वर्ट कर दिया गया। अब पेट के बाद खाने की बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसका नाम होता है ड्यूओडेनम। अच्छा, जब मैंने आपको पैनक्रियास और लीवर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ड्यूओडेनम में एक ट्यूब आती है जिसके थ्रू दो जूसेस आते हैं, पैनक्रियास से भी आता है और लीवर से भी आता है। वापस उस पार्ट पे चलते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना। अच्छा, ध्यान से देखिए, इस वाली साइड को देखिए। ये लीवर ने बाइल बनाया, पैनक्रियास ने पैनक्रियाटिक जूस बनाया। ये दोनों मिलके आप देख सकते हैं ड्यूओडेनम के इस पार्ट पे एक ट्यूब के थ्रू एंटर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम वापस अपने साइड पे चलते हैं कि ड्यूओडेनम में डाइजेशन कैसे होती है। ठीक है जी, तो ड्यूओडेनम में When the sphincter muscle, देखो पेट ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई चीज पेट में जाएगी इमीडिएटली स्मॉल इंटेस्टाइन में, नहीं। पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू भी एक गेट होता है जिसको हम बोलते हैं sphincter muscle, ठीक है। Relaxes the chyme enter the duodenum which receive two juices. अब जैसे ही ड्यूओडेनम में खाना आता है इमीडिएटली वहां पे दो जूस आते हैं, पहला बाइल फ्रॉम द लीवर, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास। तो खाने को इसी पॉइंट पे लीवर वाले जूस से और पैनक्रियास वाले जूस से मिक्स किया जाता है और वहां पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। द मीडियम इज मेड अल्कलाइन। ये पॉइंट वैसे आपको सिलेबस में नहीं है तो आप इसको मिस भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव का पार्ट है। द मीडियम इज मेड अल्कलाइन बाय द बाइकार्बोनेट आयन। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ड्यूओडेनम में जो मीडियम होता है वो कैसा होता है। तो याद रखना, ड्यूओडेनम में आपका जो मीडियम है फिर से अल्कलाइन बना दिया जाता है। अब यहाँ पे जो दोनों जूस आए, बाइल फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास, इनके अंदर के एंजाइम जो क्या करते हैं, सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन होता है और ये कन्वर्ट करता है। ध्यान से देखना बेटा, लास्ट स्टेप में जो हमारे पेप्टोन्स बने थे ये कन्वर्ट करेगा उनको पेप्टाइड्स में, और जो प्रोटीन्स बच गए थे, जो अनडाइजेस्टेड बच गए थे, उनको भी कन्वर्ट करेगा किसमें, पेप्टाइड्स। तो कन्वर्ट्स द रिमेनिंग प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड द पेप्टोन्स इनटू पेप्टाइड्स। अब नेक्स्ट अमाइलेज, अब ये पढ़ के आया है सलाइवा में भी। तो अमाइलेज किसके ऊपर काम करता है, जो स्टार्च बच गया था पेट से, मतलब जब स्टमक जो माउथ से अनपचा हुआ अनडाइजेस्टेड स्टार्च हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था, तो अमाइलेज उसके ऊपर एक्ट करेगा, कन्वर्ट्स द अनडाइजेस्टेड स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है। जिसका प्रोसेस कहां पे स्टार्ट हुआ था, जिसका प्रोसेस माउथ में बिगिन हुआ था, पर सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, स्टार्टिंग हो गई थी, सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज लाइपेज। अब लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। बेटा ये भी पेट, मतलब ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ बाइल। चलिए, हमने पैनक्रियास के जूस का तो काम बात कर ली, अब हम बाइल की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बाइल कोई भी केमिकल चेंज नहीं लाता, एक्चुअल में बाइल एक फिजिकल चेंज लाता है, तो हम इसको नॉन एंजाइमेटिक एक्शन भी बोल सकते हैं। नो केमिकल ब्रेकडाउन इज सीन ड्यू टू बाइल जूस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बाइल जूस के कारण कोई भी केमिकल ब्रेकडाउन नहीं देखा जाता, रेदर इट्स एक्शन इज अ फिजिकल इन नेचर। अब फिजिकल कैसे बोल सकते हैं, देखो ये एक फैट का बड़ा मॉलिक्यूल था, बाइल ने क्या किया, बस इसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक्चुअल में ये भी फैट है, तो ये भी तो फैट ही है, बस ये समझो कि इस फैट मॉलिक्यूल का साइज क्या हो चुका, छोटा हो चुका, तो इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, एक्चुअल में इसका जो चेंज का नेचर था वो फिजिकल था। अब ये करता क्या है, ये इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब एक बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन करता है। अच्छा, अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो होगा क्या बेटा, अगर हम ये बड़े फैट मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन नहीं करेंगे और एज इट इज ब्लड में डाल देंगे, ये कहीं ना कहीं जाके हमारे आर्टरीज या वेन्स में क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव होता है उनको ज्यादा फैट वाला खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने का खतरा है, बिल्कुल है। फैट इमल्सिफिकेशन ऑफ बिग फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस सो दैट दे कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड इनटू द एडिपोज टिश्यू फॉर स्टोरेज। अब देखो, फैट्स को अल्टीमेटली हमें एडिपोज टिश्यू में स्टोर करना होता है, अब ये भी बताऊंगा आगे जाके। If emulsification of fat is not done properly by the bile juice, it can cause serious health problems related to heart. ठीक है जी, I think आपको ये slide में सारी information मैंने दे दी। Next is digestion in ileum. अच्छा, अब ये समझिए, ileum में मैं आपको बताऊं तो ileum में digestion end भी होती है। ये भी question आता है कि digestion start कहाँ हो रही है और digestion end कहाँ हो रही है। Digestion start होती है mouth में और end होती है किसमें, ileum में। From the duodenum, the food is slowly moved down into the ileum where more digestive changes comes into action. The intestinal juice called succus, अब यहाँ पे एक juice create होता है जिसका, अब इसको simply अब इसको नाम ना याद करो, पूछा नहीं जाएगा,
आप सिंपल सी बात समझो, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं, इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिचुएटेड एट द बेस ऑफ विलाइज। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में 5 से 6 तरह के एंजाइम होते हैं। सबसे पहला है अमीनो पेप्टिडाइज। अच्छा आपको याद होगा, आप अभी तक प्रोटीन्स को पहले आपने कन्वर्ट करा था पेप्टोन्स, ठीक है जी, पेप्टोन्स को कन्वर्ट करा था पेप्टाइड्स में। अब हो गया कि सर ये सब क्या है, ऐसा समझो कि ये कॉम्प्लेक्स था, ये उसका सिंपलर था, ये उसका सिंपलर था। अब सबसे सिंपलर जो बॉडी को समझ आता है इसका नाम होता है अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो पेप्टिडाइज है तो ये पेप्टोन्स को और पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करेगा किसमें, अमीनो एसिड्स में, और बॉडी को यही अमीनो एसिड समझ आते हैं, इसकी मदद से वो बॉडी में दूसरे प्रोटीन्स बनाता है। नेक्स्ट इज माल्टेज। अभी तक जो माल्टोज बनता आया था ये उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज। नेक्स्ट इज लैक्टेज, ये कन्वर्ट करेगा लैक्टोज को भी ग्लूकोज में, तो लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट इज सुक्रेज, ये सुक्रोज कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ये भी एक, ये भी बेसिकली सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा तो माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये तीनों के तीनों हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट इज लाइपेज, ये कन्वर्ट करेगा फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है आगे चलते हैं। तो याद रखना बेटा, इलियम के अंदर इंटरस्टेलर ग्लैंड होते हैं और वो 5 क्या स्किप करते हैं, एंजाइम स्किप करते हैं, जिन सबका एक्शन मैंने आपको लिखा रखा है। अब नेक्स्ट इज डाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, एंडिंग कहाँ हो रही है, बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते ही आता है। डाइजेशन की स्टार्टिंग होती है माउथ से और एंडिंग होती है इलियम में। चलिए अच्छा, इलियम में एक और इवेंट भी होता है, मैं अगर आपको बताऊँ तो इलियम में एक इवेंट होता है जिसका नाम है अब्सॉर्प्शन। तो इलियम में अब्सॉर्प्शन की भी स्टार्टिंग हो जाती है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटे कि इलियम में दूसरा इवेंट कौन सा होता है। Thus, the digestion started in mouth is completed into small intestine. The digested food consists of soluble product, monosaccharides, monosaccharide मतलब glucose, amino acids, fatty acids and glycerol. तो जो हमारा digested खाना होता है ना उसके अंदर क्या क्या soluble product होते हैं। Soluble क्यों बोला जा रहा है, because ये सभी पानी में मिल सकते हैं, तो उसमें glucose नाम का monosaccharide होता है। अब यहाँ पे monosaccharide की जगह क्या कर लो, आप simply बोलो क्या होता है, glucose होता है। Next, these can be observed into bloodstream. The digestion and the absorption of the food take place throughout the length of the small intestine as the content gradually moves by peristalsis. अब जो next process है हमारे पास, digestion हमारी complete हुई, अब जो next process है वो है absorption. इसको हम अपने next slide में करेंगे. I hope आप सभी अच्छी health में हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. Next lecture के लिए stay tuned.